चैंपियन बनना आसान नहीं होता, बहुत सारी मेहनत और काफी डेडिकेशन के बाद एक इंसान वो अचीव कर पाता है जिसके लिए प्लानिंग वो बहुत पहले से ही शुरू कर देता है। आज आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू अ पर्सन जिन्होंने बहुत सारी प्लानिंग एंड बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन के साथ वो अचीव किया जो अब तक काफी सारे लोगों का सिर्फ एक ड्रीम ही है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू काम्याक, माई नेक्स्ट जेई चैंपियन। हाय काम्याक, मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। आपको कैसा लग रहा है कि अब सारा स्ट्रेस जो है वो फिलहाल खत्म हो चुका है एंड आई कैन रिलैक्स नाउ? काफी अच्छा लग रहा है कि पिछले दो साल से काफी हार्ड वर्क करना पड़ा और रिलैक्स करने का मतलब थोड़ा कम टाइम मिलता था, अब काफी फ्री टाइम है तो काफी अच्छा लगा। यू नो ये पूरा प्रोसेस जो था, आई एम श्योर इसमें काफी ऊपर नीचे तो आया ही होगा। कभी अच्छा स्कोर किया होगा, कभी कम किया होगा, कभी मोराल लूज हुआ कि नहीं हो पा रहा है? शुरू में से बहुत होता था कि मतलब कोई कम स्कोर आया तो मैं काफ़ी जल्दी अपना मोटिवेशन लूज कर देता, पर टीचर्स और पेरेंट्स ने काफ़ी हेल्प किया और वो रेगुलरली मोटिवेट करते थे और उन्होंने ये बताया कि रिजल्ट कम आने को नेगेटिवली नहीं लेना, उसे ऐसे देखो कि आपको कुछ और नया सीखने को मिल रहा है और आपके कंसेप्ट और स्ट्रांग हो रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, एफर्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है, अभी नहीं समझ आ रहा, उनके लिए आपका सजेशन क्या होगा कि हो जाएगा? कंटिन्यूसली अपने टीचर से गाइडेंस लेते रहें और रोज़ हार्डवर्क करें, क्योंकि जेई एक ऐसा एग्ज़ाम है उससे आप लाइक 5-10 दिन पहले पढ़ के आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको कंटिन्यूसली 1-2 साल हार्डवर्क करना पड़ता है। तो यही मेरा गाइडेंस रहेगा। ओके, एंड बातें क्योंकि होती हैं जब यू नो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो। एक चीज़ मैंने नोटिस की है, कई लोग ना स्टूडेंट स्पेशली स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते, तो काम्याक की क्या स्ट्रैटेजी रहती थी जब स्ट्रेस आता था, वो उनको कैसे दूर भगाते थे? उसके लिए थोड़ा कुछ एक्टिविटी जो आपको फन लगती है वो आप कर सकते हो, लाइक थोड़ा टाइम निकाल के, अगर थोड़ा कम स्टडी भी हो तभी चलता है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस के साथ स्टडी करोगे तो ऑब्वियसली उसका आउटपुट उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। आप उसके बदले ये है कि आप 1-2 आवर्स कुछ और मतलब अपने आप को फ्रेश करने के लिए एक्टिविटी करें और फिर उसके बाद फिर स्टडी पर लग जाए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, आपके फैंस बहुत सारे यहाँ पे हैं एंड दीज पीपल दे आर इंस्पायर्ड बाय यू। जो आपने अचीव किया है वही करना चाहते हैं ये लाइफ में, इनका गोल भी वही है। सो लेट्स हेल्प देम टुडे, उनकी जितने भी क्वेरीज हैं उनको आंसर करेंगे। सो डू वी हैव क्वेश्चंस फॉर काम्याक? मेरा कंसर्न ये है कि ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन यू नो आपका पीछे का कुछ बैकलॉग रह जाता है कभी किसी टॉपिक का, सो बट आगे वाले टॉपिक्स आते रहते हैं, तो आप मतलब बैकलॉग्स और करंट टॉपिक को कैसे हैंडल कर पाते हो एक साथ? बैकलॉग्स को हैंडल करने का ये टाइम रहता है कि जिस दिन आपको थोड़ा फ्री टाइम मिले, जिस दिन भी आपका जैसे ऑफ होता है उस दिन आप उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। बट ये है कि अगर बैकलॉग अगर कुछ ऐसा है कि जो आगे के चैप्टर से रिलेटेड नहीं है तो उस पर थोड़ा फिर कम भी ध्यान दें तो मतलब इट्स ओके। बट ये अगर बैकलॉग वो चैप्टर जो है उसका आगे कहीं यूज़ होने वाला है तो आप उसको फिर जल्दी कवर करने की ट्राई करें। कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप अपनी स्लीप कैसे मैनेज करते थे? स्लीप के लिए आप पहले तो मतलब 3-4 बजे तक जागना इतना अच्छा नहीं होता, मैं तो ये कहूँगा कि पहले ही सो जाइए। और सबका वैसे अलग अलग स्लीप शेड्यूल होता है तो उसमें मतलब अगर आप फिर भी मतलब लाइक 12-12:30 तक सो जा रहे हैं इट्स गुड इनफ। और उसके लिए कई बार ये होता हुआ कि स्लीप नहीं हो रही, नहीं आ रही ना नींद, तो उसके लिए मतलब थोड़ा स्ट्रेस होता है, तो उसके लिए आप पेरेंट्स से अपने बात करें, अपने कुछ फ्रेंड्स से बात करें, कुछ नीचे जाके कुछ वॉक कर लिया, कुछ खेल लिया, तो इससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। लाइक सोने से पहले अगर थोड़ा नीचे वॉक कर लिया तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। वाओ, दैट्स अ ग्रेट टिप। इनफैक्ट यहाँ पे भी सारे स्टूडेंट्स इस टिप को अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में व्हेनेवर यू फील स्ट्रेस्ड। अभी तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा राइट, लेकिन फिर भी आज आपको सपोर्ट करने के लिए आपके फादर यहाँ पे मौजूद हैं। आई थिंक ही इज द बैकबोन राइट, सो लेट्स वेलकम योर फादर। तो अब उनको भी यहाँ पे बुलाने का टाइम आ गया है क्योंकि काम्याक की सक्सेस इनकम्प्लीट है विदाउट हिज फादर। So, sir, many congratulations to you for this huge success. एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, एज अ पेरेंट लाइक यू मेंशन कि आपके स्केड्यूल भी बहुत डिफरेंट हो जाते हैं राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द स्केड्यूल यू फॉलोड जस्ट फॉर हिम। फॉर द लास्ट 2 years वी हैव नेवर हैड अ वेकेशन बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज वी ऑलवेज वॉन्टेड टू फोकस ऑन हिज स्टडीज एंड वी ऑलवेज वॉन्टेड टू बी विद हिम व्हेनेवर
the things were required. We wanted to be with him. Okay. And do you think Akash helped you in this entire process? Definitely. The faculties as Akash have really helped me out. In fact, till 6th, 7th, I used to make him study from my own side, especially for maths. For the rest of the subjects, his mother used to take care of those things because she is also a teacher. But the moment he got into Akash, he was totally transformed into a separate thing. What I felt was ki all my things, tensions and everything was being taken care of by the Akash faculties. So that was a very good experience. Still, there are parents, you know, they pressurize their students, or maybe, you know, they're not on the right path. Any suggestion or tip? Because you've been through that phase and you've seen it up close and personal. So any suggestion for them that you must do this with your child and you must not force this on your kid? I will always suggest ki parents should always help their children to decide upon what exactly is the field which they are looking in for, and they should not be forcing their own will. Yes. Like be it a doctor or be it a engineering or be it to any other line, but that should be the choice of the child and not the parents, because child is what, in case he, whatever he or she loves it, he will excel in that field rather than being a forced one. So that will be there. Right. I truly agree to that. And Kamyak, one tip from your side to all JEE aspirants, jaate jaate ek aisa suggestion jo unke kaam aaye. अगर आप हार्ड वर्क करेंगे रेगुलरली और टीचर्स को फॉलो करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. आप काम करें अपना और होमवर्क करें, नोट्स रिवाइज करें, और अगर थोड़ा स्ट्रेस आता भी है तो ये मतलब होना चाहिए कि मैंने अपनी तरफ से 100% दिया, जो रिजल्ट होता है वो हाथ में नहीं है. ये बहुत अच्छी बात आपने बोली एंड आई एम लाइकिंग इट कि वी आर एंडिंग दिस कॉन्वर्सेशन विद दिस नोट. सो थैंक यू सो मच कामयाग, थैंक यू सो मच सर. इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू बोथ. आई लर्नड वन थिंग फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन कि अगर आपकी प्रेपरेशन पूरी है तो स्ट्रेस बहुत ही छोटा हो जाएगा, एंड उसके लिए आपको एक राइट गाइडेंस की भी जरूरत होती है, और वो मोटिवेटिंग फैक्टर्स आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं लाइक इन कामयाग्स केस. सो यस, कीप वर्किंग हार्ड, बिकॉज एट द एंड सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं.